नमस्कार, इंकलाब टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। बेगूसराय में ना तो हत्या की घटनाओं में किसी प्रकार की कमी हो रही है, ना ही लूट की घटना में। इसी क्रम में रविवार की शाम बेखौफ बदमाशों ने सड़क के किनारे बैठकर हेलमेट बेचने वाले एक फुटकर विक्रेता के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। मामला लोहिया नगर थाना क्षेत्र के रेलवे फ्लाईओवर के नीचे का है। घटना के संबंध में पीड़ित फुटकर विक्रेता विनय सिंह ने बताया कि शाम ढलते ही बाइक पर सवार चार बदमाश आए और हेलमेट खरीदने का बहाना बनाकर उसकी घेराबंदी की, फिर चाकू निकालकर चाकू की नोक पर उससे 19,200 रुपये लूट कर फरार हो गए। भागने के क्रम में विनय सिंह ने उनमें से एक को दबोच लिया। इससे पहले कि बदमाश अपने साथी को बचाने की कोशिश करते, स्थानीय लोग दौड़ पड़े, जिसे देखकर सारे बदमाश भाग खड़े हुए। फिर क्या था, स्थानीय लोगों ने उस अपराधी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उस बदमाश से पूछताछ की, उसके एक साथी को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में नगर थाना क्षेत्र के हरख निवासी अनुकेश कुमार और गोपाल कुमार मिश्रा बताए जाते हैं। पुलिस ने उनके पास से लूटी गई राशि 19,200 रुपये और लूटने के क्रम में उपयोग किया गया चाकू भी बरामद कर लिया है। इस संबंध में लोहिया नगर ओपी अध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि अपराधियों से पूछताछ की जा रही है और बहुत ही जल्द अन्य दोनों बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं गोंडा डिस्ट्रिक्ट में रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पे हेलमेट का व्यवसाय कर रहा हूँ ओवरब्रिज रेलवे स्टेशन के ऊपर। मेरे से पहले चार लोग आए R15 और डिस्कवर गाड़ी से हेलमेट लेने के चक्कर में। उन्होंने हेलमेट लेते वक्त सारा हेलमेट तोड़ने लगे, उसके बाद कहता रोड का टैक्स दो। रोड का टैक्स देने लगे तब तक मेरा पर्स छीन के भाग गए चाकू दिखा। उसके बाद एक लोग बंदूक को साथ सामने रखा, क्या सारा निकाल दो सारे। उसके बाद भाग लिया, उसके मैं चाबी नीचे फेंक दिया, फिर सारे चार लोग फरार हो गए। एक लोग को मैंने पकड़ लिया सर मौके पे, ठीक है सर। उसके बाद फोर्स यहाँ से पहुँची, हमारा बहुत मदद की। 19,200 रुपये पर्स पूरा ले गया, ATM कार्ड सारा कुछ ले गया, पूरा पर्स ले गया।